चलिए बड़ी खबर मिल रही है सुकमा से, जहां एक बार फिर नक्सलियों की एक कायराना हरकत सामने। नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। मौके पर कोंटा एरिया कमेटी ने पर्चा फेंका है। ग्रामीणों पर पुलिस मुखबिर का आरोप लगाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सुकमा से मिल रही है, जहां नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी। मौके पर कोंटा एरिया कमेटी ने पर्चा फेंका है। ग्रामीण पर पुलिस मुखबिरी का आरोप था, जिसके चलते उसकी हत्या की गई। चुनावी साल और ऐसे में नक्सलियों की गतिविधियां हैं जो वो एक बार फिर एक्टिव नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। पहले बस्तर में और उससे पहले भी कई जगहों पर नक्सलियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया है। लगातार अब एक बार फिर सुकमा से बड़ी खबर मिल रही है, नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है, जिसके चलते पूरे गाँव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर कोंटा एरिया कमेटी ने पर्चा फेंका है। ग्रामीण पर पुलिस मुखबिरी का आरोप था। ज्यादा जानकारी की रुख करते हैं संवाददाता संजय की ओर। संजय, एक बार फिर नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी मुखबिरी के शक पे। जी अमृता, मैं आपको बता दूं कि जो अपना सुकमा जिले का भेजी थाना का क्षेत्र है, वहाँ पे भेजी के औंधेर पारा के पास रात में नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या की है। इसके भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। मौके पर कोंटा एरिया नक्सली कमेटी जो है उनके द्वारा पर्चा भी फेंका गया है। और ग्रामीण हत्या के बाद किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? ग्रामीण हत्या के बाद निसंदेह, जैसा कि हमेशा होता रहा है, नक्सली किसी प्रकार की घटना करते हैं तो ग्रामीणों में एक दहशत छा जाता है जी। और लोगों के बीच आम धारणा हो जाती है नक्सली फिर से अपने पैर पसारना शुरू किए हैं, इस तरह की बातें सामने आ रही है। और ग्रामीण पर पुलिस मुखबिरी का आरोप भी नक्सलियों ने लगाया हुआ है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी के लिए। बता दें नक्सलियों ने एक बार फिर ग्रामीण की हत्या कर दी है, उसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। मौके पर कोंटा एरिया कमेटी ने पर्चा फेंका। इसके साथ ही ग्रामीण पर मुखबिरी का आरोप था, जिसके चलते नक्सलियों ने ग्रामीण की हत्या कर दी।